सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, दिस इज मी एसके हियर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं बाइकर्स जैकेट्स के बारे में और इनसे रिलेटेड जो है कुछ मिथ, कुछ स्टीरियोटाइप्स के को भी आज जो है ब्रेक करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जो है जैकेट अपने लिए सबसे बेस्ट जैकेट कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन लेना सही रहेगा या फिर ऑफलाइन लेना सही रहेगा, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें मैं जो है आज जैकेट के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कई लोगों को ये लगता है कि जो बाइकर जैकेट हैं ये सिर्फ स्टाइल के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टाइल के लिए खैर आप बोल सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है जैकेट, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बहुत सारा एडवांटेजेस भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये कि आपको ये एक सर्टेन लेवल तक जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराता है और साथ ही आपको ये बहुत सारी चीज़ों से भी सेफ करता है, जैसे कि विंड हो गया। जब हम लोग बाइक चलाते हैं हायर स्पीड पर तो बहुत ज़्यादा विंड रहती है, तो क्या होता है कि एक लंबे समय के बाद जो है बाइक चलाते हुए जो स्किन है हमारी, अगर हम टी शर्ट में बाइक चला रहे हैं तो वो क्या होता है ड्राई हो जाती है बहुत टाइम के बाद। तो ये जो है जैकेट है तो ये उससे हमें बचाता है और साथ ही जो है आपको ये डस्ट पोल्यूशन से ही बचाता है। जब कभी आप देखेंगे कि ट्रक के पीछे चलते हैं तो क्या होता है कि डस्ट जो है पूरे बॉडी पर आ जाता है, ऐसे कि ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है सूरज के। जैसे कि हम लोग टी शर्ट में चलाते हैं या फिर शर्ट पहन के भी चलाते हैं तो कुछ हद तक जो है अल्ट्रा वायलेट रेस आपके स्किन तक पहुंच जाती है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप चल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके स्किन को बचाना। तो बैक इन 2016 में जो मैंने राजस्थान राइड किया था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। उस समय पे जब हम लोग जैसलमेर की ओर जा रहे थे और मैं और संदीप राइड कर रहे थे, तो मेरे पास जैकेट थी और संदीप के पास जैकेट नहीं थी। तो क्या हो रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 70-80 की स्पीड में अगर आप छोटे छोटे इंसेक्ट से हिट करते हैं तो थोड़ी थोड़ी चोट तो लगती है उससे और काफ़ी अनॉइंग भी होता है। तो इस हिसाब से जो है आपको जैकेट जो है इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें इनर लाइनर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे जो है आप इसको रेनी सीजन में और विंटर में भी इस जैकेट को अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। क्या ये जैकेट सिर्फ सुपर बाइकर्स के लिए होते हैं? दोस्तों बिल्कुल नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक आप चलाते हैं, लोअर सीसी की चलाते हैं, हायर सीसी की चलाते हैं, ये जैकेट जैसे कि मैंने आपको कहा ही कि बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। तो आप इसको बेफिक्र होकर किसी भी बाइक चलाते वक्त आप इसको पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में आप इन जैकेट्स को नहीं पहन सकते, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। और मैं बता दूं कि जब मैं जैसलमेर में जा रहा था तो वहाँ पे करीब 48 डिग्री टेम्परेचर था और मैं जैकेट पहन के उसको मैं चला रहा था। ये जो जैकेट्स है ये मेस जैकेट है और जो एयर फ्लो है इन जैकेट्स के थ्रू वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, तो जिस वजह से जो है हवा अच्छी तरीके से पास होने की वजह से जो गर्मी जो है वो थोड़ी बहुत कम लगती है जब आप बाइक चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाइक रोकते हैं तो हाँ गर्मी जो है वो लगती है, लेकिन ऑब्वियसली आप बाइक राइडिंग के लिए जो है जैकेट का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पर्पस है वो ये जैकेट जो है पूरी तरीके से फुलफिल करता है। बाइकर जैकेट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बाइकर जैकेट्स की जो प्राइस रेंज है वो करीब 5,000 से लेकर के जो है 50,000-1,00,000 तक भी है। आपको दोनों तरीके के मैन्युफैक्चरर्स के जो है बाइकर जैकेट मिल जाएंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के और फॉरेनर मैन्युफैक्चरर्स के। तो इस पर आपको डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप कौन से जैकेट आप खरीदना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दोस्तों कि ये जो पैसा आप पे कर रहे हैं 4,000-5,000 रुपये, ये आपकी सेफ्टी के लिए तो है ही, साथ में कंफर्ट भी आपको इस जैकेट से मिलता है। और साथ ही जो है ये जैकेट आप अगर एक बार ख़रीदते हैं तो करीब करीब 3-4 साल तक जो है आराम से एकदम चल सकता है, आप कितना भी उसको रफ टफ यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो पिछला जैकेट था मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो जैकेट जो है मैंने 3 साल तक लगभग यूज़ की, अभी भी जो जैकेट है उसमें कोई भी ख़राबी नहीं आई थी। मुझे अभी नया जैकेट लेना पड़ा क्योंकि उसमें थोड़ा साइजिंग का प्रॉब्लम था, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैकेट जो है बाइकर जैकेट बहुत महंगी होती है, देखा जाए तो 3-4 साल तक आप एक जैकेट को यूज़ कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा इवन अगर आप अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है। अगर आप 1,00,000 की बाइक खरीद रहे हैं तो 5,000 का जैकेट तो उसमें ख़रीदना बनता है।
तो अब आ जाते हैं कि आप अपने लिए सबसे परफेक्ट जैकेट कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो गलती कर दी थी सबसे पहला जैकेट अपना खरीदने में, वो ये कि मुझे साइज़ का जो है उसमें सिस्टम समझ में नहीं आया था, जिस वजह से मैंने जो मैं टी शर्ट पहनता था उस साइज़ के ही जो है जैकेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। तो जैसे मैं एक्सेल साइज़ पहनता हूँ तो और मैं एक्सेल साइज़ का ही जो है जैकेट मैंने ऑर्डर कर दिया था। नतीजा क्या हुआ मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ। तो ये वो जैकेट थी DSG EVO। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जैकेट पहन लिया है, और प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ये वैसे तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आर्मर है आप देख रहे हैं पूरा जो यहाँ पे लूज़ है। ये जैकेट है मेरे साइज़ से कहीं ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से जो है मुझे इसमें एक्स्ट्रा बटन्स भी यहाँ पे लगाने पड़े ताकि जो आर्मर्स है ये इधर उधर ना हो। एक और गलती मैंने कर दी कि ये जो जैकेट मैंने ख़रीदा वो मैं ट्रिप से जाने से 15 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, और उसको पहुँचने में करीब करीब 10 दिन लग गया था। तो जिस वजह से जो मेरा ट्रिप का डेट था वो 5 दिन बाद ही था, जिस वजह से मैं इसको रिटर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिटर्न फिर करता फिर उसमें वापस आता तो इसमें करीब करीब और 15 दिन करीब खर्च हो जाता, जो कि मेरे पास उस समय पे नहीं था। तो इसलिए मैंने इस जैकेट को ही पहनना सही समझा। लेकिन आप ऐसा गलती मत करिएगा, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं जैकेट तो अपने साइज़ से जो है एक या दो साइज़ कम ऑर्डर करिएगा। अगर आप टी शर्ट एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पहनते हैं तो आप मीडियम साइज़ या फिर लार्ज साइज़ जैकेट ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपके यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो उनकी जो रिप्लेस पॉलिसी है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लें कि कैसे रिप्लेस होगा, अगर इनकेस अगर साइज़ आपका नहीं बैठता है, कहीं ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हैं आपको उससे पहले जैकेट चाहिए तो कम से कम 1.5 महीना पहले जैकेट जो है ऑर्डर कर दीजिए। इससे होगा कि अगर आपके जैकेट मान लीजिए आपके साइज़ जैसा मुझे फ़िट नहीं आया, अगर आपका भी जैकेट वैसा फ़िट नहीं आता है साइज़ आपका, तो आप उसे दोबारा रिप्लेस करा सकते हैं। और ये भी देख ले कि आपसे एक साइज़ बड़ा और एक साइज़ छोटा जैकेट उनके पास अवेलेबल है या नहीं। सपोज़ अगर आपने DSG वो सपोज़ ऑर्डर की है और उनके पास सिर्फ लार्ज साइज़ ही है, एक्सेल साइज़ नहीं, और आपको एक्सेल साइज़ चाहिए, तो फिर क्या होगा कि एक मतलब डिस्प्यूट वाला सिचुएशन हो जाएगा। फिर वो लोग बोलेंगे कि ये जैकेट आउट ऑफ स्टॉक है, अभी नहीं मिलेगा, दिस दैट। तो ये देख ले कि उनके पास हर तरह के साइजेस अवेलेबल है या नहीं उस जैकेट के। दूसरी बात दोस्तों, जैकेट जब आप ख़रीद रहे हैं तो आप उसमें लाइनर्स जो लगे हुए रहते हैं तो उन लाइनर्स को भी लगा करके देख ले कि आपका जो साइज़ है वो सही से फिट हो रहा है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो भी आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो भी आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी है ये बाइकिंग ब्रदरहुड का जैकेट, जो अभी रिसेंटली मैंने भूटान राइड से पहले मैंने उसको ख़रीदा था, तो अभी इसमें लाइनर्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इसका जो साइज़ है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे फ़िट होता है और एकदम स्नग फिट है, और लाइनर्स के साथ भी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से फ़िट होता है। और मैं बता दूं कि इसका जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ का है, जबकि ये जो जैकेट मैंने आपको पहन कर दिखाया है वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का था, और टी शर्ट जो मैं एक्सेल साइज़ का पहनता हूँ। तो आप समझ सकते हैं जो साइज़ का डिफरेंस है जैकेट में वो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जैकेट खरीदें। और साथ ही तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं ये बहुत ही काम के हैं, अगर आप नाइट राइड कर रहे हैं तो रात के टाइम पे ये जो है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपके बढ़ा देता है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं लाइट पड़ रहा है इसमें और ये बहुत पूरी तरीके से चमक रहा है, तो इस हिसाब से जो है अंधेरे में ये आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स होने के जो चांसेस है वो इस तरह की जैकेट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। अगर रिफ्लेक्टर आपकी जैकेट में ज़्यादा है नहीं है तो आप वो ऑरेंज कलर के या फिर ग्रीन कलर का जो जैकेट आता है जो हम लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वगैरह पहनते हैं, तो आप वो जैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वो भी बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और मैंने यूज़ किया भी था भूटान राइड में, तो हालांकि ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। तो आप इस तरीके से जो है आप अपने लिए जैकेट खरीद सकते हैं। पहला ध्यान आपको रखना है साइज़ का, दूसरा ध्यान रखना है कि जिस कंपनी से आप जैकेट खरीद रहे हैं उसके पास उस जैकेट की हर एक साइज़ अवेलेबल हो, तीसरा देखना है कि आपके उसमें रिफ्लेक्टर्स अच्छी तरीके से हैं या नहीं, साथ ही चौथी चीज़ एक और है कि उसमें देख ले कि ऑल वेदर जैकेट है कि नहीं, जैसे इसमें लाइनर्स वगैरह प्रोवाइड इसमें दिए गए हैं तो किसी में जो है थर्मल लाइनर अवेलेबल नहीं रहता है, किसी में रेन लाइनर अवेलेबल नहीं रहता है, तो वो देख लीजिए कि उसमें थर्मल लाइनर और रेन लाइनर अवेलेबल है या नहीं। और पांचवा टिप मैं दोस्तों आपको ये दूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन ऑर्डर ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा झमेला है इसमें साइज़ का और मतलब स्टॉक अवेलेबल होने का और जो कंपनी पॉलिसीज़ है, तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके नियरेस्ट कोई बड़ी सी सिटी है
तो आप वहाँ जा करके जो है बहुत सारे अभी शॉप्स खुल रहे हैं, अभी रांची में भी यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स खुल चुके हैं बाइकिंग गियर्स को जो सेल करते हैं। तो आप ऐसी जगह पे जा करके जो है अपने लिए सही जैकेट खरीद सकते हैं, भले आपको कलर स्कीम अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने मुझे आप देख ही सकते हैं ये पूरी तरीके से ब्लैक जैकेट है, और मुझे थोड़ा इस बार कलरफुल जैकेट लेना था लेकिन वहाँ पर मिला नहीं मेरे साइज़ का, तो इसलिए मैंने इसी को जो है चूज़ किया। एक बार इतना पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको सही साइज़ का जैकेट मिले, क्योंकि आप उसको 3 से 4 साल तो आपको पहनना है। सपोज़ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अगर आप बंगाल के किसी रीजन में रहते हैं वहाँ, और जो कोलकाता है वो आपका मेन सिटी है मेट्रो सिटी, वहाँ पे आपको बहुत सारे बाइकर स्टोर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे इस जैकेट आपको अवेलेबल है इजीली, तो आप वहाँ पे जा कर के एक दिन जा कर के जो है ले सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत पैसा आपका जाएगा आने जाने में ट्रैवलिंग में, लेकिन जो है आपको जो सामान मिलेगा आपको जो चीज़ मिलेगा वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ स्टीरियोटाइप्स और कुछ टिप्स मेरे तरफ से बाइकिंग जैकेट्स को लेकर के, और अगर आप बाइकिंग जैकेट खरीदने का सोच रहे हैं तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में इस तरह के जैकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए वो रेड बटन हिट करके, और कुछ जैकेट्स के जो है लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें ट्राई करके देख सकते हैं। हर तरीके के जो है जैकेट उसमें बजट जैकेट जिसको कहते हैं वो मैंने दे दिए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।